खिन में थाप निवाजे ठाकर, खिन में थाप निवाजे ठाकर, नीच कीट ते करे राजंदा, नीच कीट ते करे राजंगा, कब हूँ ना बिसरे, कब हूँ ना बिसरे, हिये मोरे ते कब हूँ ना बिसरे, हिये मोरे ते नानक दास एही दान मंगा, नानक दास एही दान मंगा, कब हूँ ना बिसरे, हिये मोरे ते कब हूँ ना बिसरे, कब हूँ ना बिसरे, हिये मोरे ते धीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साध के संगा, खिन में थाप निवाजे ठाकर, नीच कीट ते करे राजंगा, कब हूँ ना बिसरे, हिये मोरे ते ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, चरण कमल प्रभु के नित ध्याव, कब हूँ ना बिसरे, हिये मोरे ते चरण कमल प्रभु के नित ध्याव, कवन सुमत, कवन सुमत चित प्रीतम पाओ, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, नानक दास एही दान मंगा, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, कृपा निद बसो हृदय हर नीत, कृपा निद ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, नानक दास एही दान मंगा, कृपा निद बसो हृदय हर नीत, तैसे बुद्ध करो परवासा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, मैं तेरे कोलो ए दान मंगना, कब हूं ना बिसरे, ही ये मोरे ते कृपा निधि बसो हृदय हर नीत, कब हूं ना बिसरे, ही ये मोरे ते कोई ऐसा पल, कोई ऐसी घड़ी, कोई ऐसा दिहाड़ा ना आवे कि मैनू तू भुल जाए, मेरी याद विचों तू निकल जाए, बस
जो मालिक याद विचो निकल जाए, कोई भी वस्तु भुल जाए, याद विचो निकल जाए, मनुख उस दिन रात ढूंढता है, कदे किसे कोलो पुछदा है, कदे किसे कोलो पुछदा है, राह भी भुल जाए मनुख, ता उसनु किसे कोलो राह पुछना पैंदा है, उन्दे दसन दा मोहताज हुंदा है। पर एक ख्याल करियो, मनुख राह भुलदा कदों है, जदों कदी कदी उस राहों लंघना होवे, जां हर वार राह बदलवा आ जाए, जदों बदलवा राह आउंदा है, फिर पुछदा है, जे उन्हूं कोई उलांभा देवे, तू क्यों पुछना है, तो कहंदा है मेरा की दोष है, अगे मैं कदी इस राह आया ही नहीं, हर वार मेरा राह बदल जाता है, ते बदलवा राह मेरी वाकफी मेरी सुचेतता तो बाहर हुंदा है। गुरु ने भी कह दिता, कहन लगे मनमुख भूली बहुत ही राह, रोज बदलवे राह तो लंघन वाला मनुख जरूर भुल जाता है, इसे लई हमेशा वास्ते भुलन तो बचन लई राह बदलवे नहीं होने चाहिए, और राह जिन्ना ते रोज लंघदा होवे वो कदी भुलदे नहीं। मैनू अजे तक याद है स्कूलां विच बचपन विच जदों कोई कदी क्लास शुरू होंदी सी, देखी दा सी सारे विद्यार्थियों नू खड़ा करके लाइन विच सब तो पहला पहाड़े याद कराउंदे सन। उस वक्त आ कैलकुलेटर नहीं सुन होंदे, पहाड़े याद कीते हुए हर क्लास विच जाके पढ़ाई दे हर खेत्र विच जाके साथ दिंदे सन। मैनू भी कई बार सोचना आ रहा कि 65 साल गुजर गए ने याद कीते नू, पर फिर भी सारे ना सुन, बहुत सारे उस वक्त दे याद कीते हुए पहाड़े आज भी याद ने। क्यों? क्योंकि लगातार वो पहाड़े याद कराए गए, अंदर टिक गए। तो एक ख्याल करियो, बस अज दा दिहाड़ा जेड़ा तुसी मना रहे हो, इसने उसे ही परेशानी तो एक प्रेरणा दे के उपराला बने, जिन्हों असी नानक शाही कैलेंडर आखने, अज असी उस कैलेंडर दे मुताबिक नवा साल मना रहे हैं। देखियो, ख्याल करियो, अपने परिवार दे जीयां जां बच्चियां दे दिहाड़े असी हर साल मनाउंदे हैं, कदी किसे कोल पुछण दी लोड़ पई है, जां असी उहनां दा बर्थ सर्टिफिकेट कढ के देखण दी लोड़ महसूस कीती है। क्यों? क्योंकि निश्चित तारीखां सानू याद ने, भुलदियां नहीं। जिहड़ी चीज साडे जीवन नाल संबंध रखती होवे ते हमेशा जीवन नाल संबंधित बनी रहे, वो कदी भुलदी नहीं। अज तक सी बच्चियां दा जन्म दिन मनाण वास्ते कदी किसे ब्राह्मण कोलों, किसे पंडित कोलों पुछण नहीं गए कि साडे बच्चे दा जन्म दिन कदों है, ना ही किसे ऐसे अदारे को ले, किसे ऐसे अदारे को ले जाके पूछे आए भी सानू तुसी बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिता सी, दसो साडे बच्चे दा जन्मदिन कदों है। पर केड़ी अजीब गल है, भावे साडा काया नाल शरीर नाल संबंध ना होवे, पर सोचियो अज दा कैलेंडर की है, अज दा साल की है, जिस दिन गुरु नानक दे जामे ने, जिस जामे विच जोत ने अपना निवास कीता सी, उस जामे ने अज जन्म लिया। तो फिर इत्थे बस नहीं, अगले जामे भी जिन्हां विच ओ जोत प्रवेश कर दी गई बदल बदल के, उन्हां जामियां दा दिन मुबारक दिन, धन धन सुहावा सो
शरीर थान है, शरीर थान है, वह भी धन है जिंदे विच गुरु जोत ने निवास किया है। ते उस धन धन सुहावा सो शरीर थान दे दिन जड़े ने वह सानू याद ना हो, उन्हां दी तरीखा पुछण लई सानू हर वार हर साल ब्राह्मण कोल जाना पवे ते पुछिए जी साढ़े गुरु दे साढ़े इतिहास दा आ दिन कदों है। बस इस मजबूरी ते इस परेशानी विच्चों अज असी निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि साढ़े कोल एक ऐसा कैलेंडर आ गया जिस दा नाम नानक शाही कैलेंडर है। पर मैं इत्थे भी रुकना चाहना, इहदा नाम नानक शाही कैलेंडर क्यों रखिया गया? दो चीजां साझियां ने। अज साडा गुरु तां शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, ते जिस वीर ने उद्यम करके इस कैलेंडर की तरतीब दिती है उन्हें भी सोचा है और बड़ी खूबसूरत सोच सी। इस कैलेंडर की तरतीब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगवाई विच लई गई है। अज भी मैं देख रहा सा इसे वीर ने साहिब ते अपना शंका रखिया कि गुरु नानक साहब का गुरपुरबता जी विसाख का है, तो फिर नानक शाही कैलेंडर जिहड़ा जिंदा नाम नानक शाही है तो फिर ये विसाख तो शुरू होना चाहिए सी, चेत तो क्यों शुरू हो? मैं इस गल नूं स्पष्ट करना चाहना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बारहवां गुरुआं वालों बख्शिश किया होया गुरु जामिया वालों दो थावां ते, एक बारहवां गुरु नानक पातशाह जी का तुखारी राग विच है, एक बारहवां गुरु अर्जन पातशाह जी का माज राग विच है। पर केड़ी अजीब गल है, जोत ओआ जुगत साए। जोत क्योंकि एक है, इसलिए जुगत वक् वक् नहीं हो सकती, हालांकि 100 साल का लगभग वक्वा है, 3-4 जामिया का आपसी वक्वा है। गुरु नानक पातशाह जी का बारहवां जेड़ा है वह भी चेत दे महीने तो शुरू होंगे, और चेत दे महीने तो शुरू भी क्यों होंगे? मानो गुरु साढ़े लिए चढ़ चेत बसंत मेरे प्यारे भलिए रुत्ते, साढ़े लिए एक खेड़े भरी रुत्त चंगा जीवन का आने वाला भविख लैके आया। वह गल वक्री है कि असी ऐसे हालातों में हाँ, जिमें सतगुरु ने बाणी विच आख्या है, कहिंदे ने जदों कई बार बसंत भी आउंदा उदों भी रुत्त बद सुहावनी हुंदी है, पर कई दरखत सुके ही रह जांदे। सतगुरु कहिंदे ने सघन वास कूले, बसंत दी रुत्त विच हर पासे वाशना ते हरियावल है, सघन वास कूले एक रहे सूक कठूले, उदों भी सुके काठ कई रह जांदे ने जिहड़े उस सघन वास कूले दी रुत्त तों प्रभावित नहीं हुंदे। गुरु बख्शिश करदा है ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਲ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਝ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਰੰਭਕ ਪਦ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾਂ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ। ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦਾ ਬਾਰਾਂਵਾਂ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾਂ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ,
गुरु नानक पातशाह जी दे बारे मां बारह मां दा आखरी पद जिहड़ा है उहदे विच की लफज ने बे दस मां रुत्ती थित्ती वार भले। बे दस तों भाव है बारह महीने, बे दो अखर दा अलफ बे, बे तों भाव दो ते दस, बे दस भाव दस ते दो बारह महीने। बे दस मां रुत्ती थित्ती वार भले गुरु नानक पातशाह कहते। तो केड़ी अजीब गल है, गुरु अर्जुन पातशाह भी बिल्कुल उनके नाल मिलवा जुलवा आखिरी पद कहते ने मां दिवस मूर्त भले जाको नदर करे। केड़ा मेल है, इसे लिए मेल है क्योंकि ज्योत इको है, गुरु वख वख नहीं, एक गुरु इको है, एक बाणी एक गुर इको शब्द विचार का प्रतीक है। और इसे गल नू मुख रखदिया होया उस वीर ने तरतीब दिती है चेत महीने तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगवाई विच रहमत करके सतगुरु दे बख्शे हुए चेत दे महीने तो साल आरंभ किया है। ते ना इंदा नानक शाही कैलेंडर क्यों, दोनों गल्ला मैं स्पष्ट करना चाहता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा दी प्रेरणा है, पर नानक शाही कैलेंडर नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सारे जामिया ने सारे गुरु जामिया ने अपनी रचना दे नाम नाल अपना वखरा नाम नहीं चुनिया, ना लागू किया, ना जोड़िया। हर एक गुरु जामे ने अपना नाम दे नाल जिथे वरतों की थी नानक शब्द दी की थी। इसलिए उसे शब्द नू इस अपने नवे साल दे कैलेंडर नाल संबंधित किया गया। तेंदा नाम नानक शाही कैलेंडर है, ते श्री गुरु ग्रंथ साहब दे बारह मान दे नाल तरतीब करके जोड़िया गया है। हुण देखना ये है सब कुछ क्यों किया गया है, इसलिए ताकि साडे बच्चियां नू मुड़ मुड़ के ब्राह्मण को पुछना ना जाना पवे कि साडे गुरु दा आ इतिहासक दिन कदों है, आ इतिहासक दिन कदों है, असी कदों उसनू याद करिए, कदों उस दे दिन मनाइए। आखिर ते गुरपुरब मनाने जेड़े ने ओ गुरु दियां बरकतां इतिहास नू याद करना ही। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी आखिया, कहन लगे कुरबानी तिन्ना गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करन दे। जदों असी गुरपुरब करना होवे कोई दिहाड़ा गुरु दा नाल संबंधित मनाना होवे उदों ब्राह्मण कोल पुछण जाइए, ते हर साल पुछदे रहिए, इहदा मतलब ओह हर साल बदल दिंदा सी, बदलवें राह सानू याद नहीं सन हुंदे, असी उस भुल्ले भटके राही वांगू फिर ब्राह्मण कोल पुछदे फिरदे सन साडा राह किहड़ा, साडा पुरब कदों। ते ओ गुरु रहमत कीती, सिक्खी नू प्रेरणा दित्ती, उस सिख गुरमुख ने यह तरतीब दे के साडे सामने एक नवा नानक शाही कैलेंडर दे रूप विच स्पष्ट कर दिता, जिथों फायदा यह होया कि उन्हां पहाड़ियां वांगू सानू हुण हर रोज ब्राह्मण कोल नहीं जाना पएगा, पहाड़ियां वांगू मानू सानू साडे गुरु दा सारा इतिहास तारीखां मुताबिक याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये एक रहमत दा दिन है, एक ऐसा दिन है जिस दिन असी अपने जीवन दे भविख लई एक इनकलाबी कदम चुके है। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी ते गुरु नानक शब्द दी अगवाई विच चुके है। इसलिए ये अरदास ही है कि हे प्रभु, हे मालिक, मैनू तू विसर न जाए, मैनू ओ मत दे, ओ ढंग बख्श, ओ मेरे हिरदे दी प्रेरणा बना, ताकि किसे वक्त भी मैनू तैनू याद करन लई किसे कोलों पुछना नहीं पवे, मैं तेरे कोलों ये मंग करना। मानू इस शब्द विच भी एहो ही मंग है, इहो ही मंग है कि किसे पल खिण अंदर किसे दिहाड़े विच तू मेरे हिरदे विचों विसर न जाए। गुरु कहते कब हूं ना बिसरो, कब हूं ना बिसरो,
कब हूँ ना बिसरो, कब हूँ ना बिसरो, हिए मोरे ते, हिए मोरे ते, कब हूँ ना बिसरो। नानक दास, नानक दास कही दान मंगा, नानक दास कही दान मंगा, कब न बिसरो, कब न बिसरो, कब न बिसरो, हिए मोरे ते, कब न बिसरे, हिए मोरे ते, कब न बिसरे, कब न बिसरे, कब न बिसरे। आओ इस खुशियां दे दिहाड़े ते हमेशा गुरु दी यादां, इतिहास दी यादां हिरदे विच टिकाण दे आरंभक दिहाड़े दी खुशी विच सारिआं नूं मुबारक दिंदा होया फतेह बुलाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।